सो फाइनली दोस्तों मैदान डे नंबर 10 दोस्तों आज है सैटरडे और भाई क्या स्पीड पकड़ ली यार, भाई साहब क्या स्पीड पकड़ ली यार, आई कांट बिलीव दोस्तों यार मजा आ गया भाई। मतलब हर एक घंटे में अब फिर से दोस्तों 3000 टिकट्स हैज बीन सोल्ड आउट एंड दोस्तों मैदान डे नंबर 10 भाई साहब एडवांस बुकिंग बड़ी जबरदस्त आई है आज की। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूं कल डे नंबर 9 का जो बॉक्स ऑफिस आया है ना भाई, मैदान ने बड़े मियां छोटे मियां के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सबसे ज्यादा कलेक्शंस कर चुकी है। जी दोस्तों लंबी रेस का घोड़ा है मैदान और कछुए की रफ्तार से चलते चलते दोस्तों मंदिर तक जीत ही जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि दोस्तों मैदान को लेकर बहुत सारी खबरें लेकर आया हूं, तो लाइक कमेंट करना। अजय देवगन फैंस फुल सपोर्ट दोस्तों, और इसी तरह प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूं आप लोग कमेंट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो भर भर के, सभी व्यूवर्स का, सभी मेरे भाई लोगों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो घंटे का बेल आइकन जरूर दबा के अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोगों सबसे पहले बता दूं कि जी हाँ मैदान मूवी का आज ही डे नंबर 10 और आज का कलेक्शन जो मॉर्निंग का आया है दोस्तों, आपको बता दूं कि 1,00,000 रुपए सुबह के 6 बजे तक ये कर चुकी है, 1,00,000 रुपए कमा चुकी है। जी हाँ, और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अभी इसके कलेक्शंस और बढ़ेंगे आज, क्योंकि आज का जो ऑक्यूपेंसी है वो काफी डबल होगा, क्योंकि कल का जो कलेक्शन आया ना उसको देखते हुए कल दोस्तों आप बिलीव करो कितना 15.20% का जंप, ऑलमोस्ट 16% का जंप देखने को मिला 8वें दिन के कंपैरिजन। एंड आज दोस्तों 10वां दिन और आज का जंप कम से कम भी 40% जंप देखने को मिलेगा 40 to 50% इजिली जंप देखने को मिलेगा। एंड ऑक्यूपेंसी भी दोस्तों ऑलमोस्ट आज शनिवार की मोर देन 50% की रहेगी एज कंपेयर टू फ्राइडे, यानी कि लास्ट नाइट दोस्तों। एंड बिलीव करो दोस्तों एक बार फिर से मैदान आज कितना होल्ड करेगी सब कुछ बताऊंगा। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बुक माई शो की पोजीशन बता दूं और स्क्रीन वगैरह सब डाटा मैं लेके आऊं वो बता दूं आपको अभी क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है। सो सबसे पहले दोस्तों अभी मुंबई के हालात आपको दिखाया तो मैदान मूवी के, तो भाई देखो हर एक घंटे में दोस्तों 2,000-3,000 के आसपास टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई की पोजीशन दिखा रहा हूँ मैं, मुंबई में दोस्तों आज देखो शनिवार का दिन दोस्तों कई जगहों पे छुट्टियों का दिन होता है, कल तो कंप्लीट तरीके से हॉलीडे होगा। एंड ये क्या मैं देख रहा हूँ भाई, साइनेपोलिस विवियन मॉल में 4:10 शोज हाउसफुल है, 7 बजे का शोज आज घाटकोपर में हाउसफुल है आयोनेक्स आर सिटी, उसके बाद मुंबई के हाउसफुल शोज बता रहा हूँ फास्ट फिलिंग सबसे ज्यादा। इसके अलावा दोस्तों और भी तमाम जगह पे हाउसफुल शो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ये देखो दोस्तों दो शो और मुझे मिले हैं, जियो वर्ल्ड वाइड मैसन पीवीआर 12:30 का और 7:15 का शो हाउसफुल है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये देखो आप शोज जो है दोस्तों, शोज में गिरावट नहीं हुई है, आज भी शोज कुछ बड़े हैं, ये मुंबई का बता रहा हूं मैं, आज भी शोज वगैरह कुछ बड़े हैं दोस्तों। और दिल्ली का बताऊं मैं आपको, सो आज मैं गया दिल्ली का पोजीशन बताऊं तो यस दोस्तों दिल्ली आप देख सकते हो, दिल्ली का मैं गया मैदान में एंड टिकट बुक करने पे गया। और सबसे मजे की बात पता क्या है, रेटिंग 8.8 की हो गई है, मुझे पता थी 7.2 से 8.8 की रेटिंग हो चुकी है। एंड दिल्ली की पोजीशन देख लो दोस्तों, ओ भाई साहब 3:30 बजे का शोज आज DLF एवेन्यू साकेत पे हाउसफुल, 9:35 का गुलशन ओडा में भी हाउसफुल चल रहा है, उसके बाद दोस्तों 3:45 गुड़गांव वर्ल्ड मार्क आयोनेक्स हाउसफुल, ओ भाई साहब 10:25 का शोज US सिनेमा गैलेक्सी ब्लू सफायर नोएडा एक्सटेंशन हाउसफुल, ओ भाई साहब सुपरप्लेक्स लॉजिक्स 2:00 5:45 9:30 भाई बिलीव नहीं हो रहा ना, ये देखो सब जगह हाउसफुल है, दिल्ली का शो दिखा रहा हूं मैं, दिल्ली का शो है ये। सो दोस्तों मैदान के ऑक्यूपेंसी आज बढ़ेगी, शोज बढ़ेंगे, स्क्रीन्स बढ़े हैं आज के दिन शनिवार को, एंड 50% से ऊपर का जंप देखने को मुझे मिल रहा है। देखो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक के जो इंडियन नेट से कलेक्शंस हो चुका ऑलमोस्ट 30 करोड़ हो चुका है इंडियन नेट से। एंड मजे की बात दोस्तों ये है कि फिल्म जो है 34 करोड़ ग्रॉस कलेक्शंस कर चुकी है विथ ओवरसीज को मिलाकर, एंड कल ये 35 करोड़ से ऊपर ग्रॉस कलेक्शंस में पहुंच जाएगी। कल का कलेक्शन जो आया दोस्तों डे नंबर 9 का मैदान का 1,44,00,000 का कलेक्शन करिए, जो कि अपने फ्राइडे वाले दिन से जो फ्राइडे वाले दिन का कलेक्शन था 1,25,00,000, जबकि 20,00,000 के आसपास ज्यादा कलेक्शन देखने को मिला है। एंड आपको बता दूं कल का 1,44,00,000 मैदान का हुआ है, वहीं बड़े मियां छोटे मियां डिजास्टर हो चुकी है, मैदान अभी भी छक्के छुड़ा रहा है, बड़े मियां छोटे मियां 1,32,00,000 पे ढेर हो गई है कल अपने 9वें दिन। और आज का कलेक्शन भी दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां का कम आएगा, क्योंकि आज मैदान मैंने पहले कहा था लंबी रेस का घोड़ा है और मैदान दोस्तों रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जनता का इसका पॉजिटिव माउथ टू माउथ पब्लिक रिएक्शन जिस हिसाब से जा रहा है, जनता एक्साइटेड है मैदान को देखने के लिए। एंड
मैदान धीरे धीरे भी करेक्शन कर रही है। अब तो दोस्तों ये फिल्म फ्लॉप हो, डिजास्टर हो, नो मैटर, बट जनता स्टिल लविंग दिस मूवी। जनता ये कह रही है कि फिल्म के अंदर अजय देवगन की एक्टिंग उन्हें पसंद आई, सो डेफिनेटली यार जनता इसी वजह से खींची चली आ रही है, क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर ना कहानी दिखाई गई ना एक्शन इतने थे कि सर में दर्द हो रहा लोगों के, ऐसा लोगों का ओपिनियन आ रहा है। तो मैदान की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है, कल का मैदान की ऑक्यूपेंसी 6.66% मॉर्निंग में, आफ्टरनून में 10.19% एंड ऑफकोर्स दोस्तों कम से कम 11% की ऑक्यूपेंसी रही है इवनिंग में, 18% की नाइट में। शोज की बताऊं, मुंबई में अभी भी 349 शोज पे चल रही है, दिल्ली में 384, 126 पुणे में, बेंगलुरु में 120, कोलकाता में 149, अहमदाबाद में 242 शोज पे अभी भी चल रही, सूरत में दोस्तों 135 शोज पे अभी भी चल रही है। सो वेल दोस्तों क्या लगता है, आज है दोस्तों ऑफकोर्स आज है डे नंबर 10, शनिवार का दिन, छुट्टी का दिन है, क्या चांसेस लग रहे हैं दोस्तों? देखो अभी टिकट तो यार बिक रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया, तो चांसेस दोस्तों यही लग रहे हैं कि आज मुझे पूरा उम्मीद है, क्या पता आज ही 35 करोड़ ग्रॉस में हो जाए। आज मुझे लग रहा है कम से कम जो मेरा प्रोडिक्शंस कह रहा है 2.5 करोड़ को आराम से टच कर सकती है ये, 2.5 करोड़, जो कि कल के 1.44 करोड़ से 100% का जंप ले सकती है। अगर 2.5 करोड़ भी आज आ रहा है, 2.5 से 3 करोड़, तो एक बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। एंड आपको बता दूं दोस्तों, शोज गिरे नहीं है, शोज बिल्कुल भी नहीं गिरे हैं, कॉन्स्टेंट है, और शोज अभी भी इतने हैं कि हर दिन अगर ये फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़ जाए, जनता पिक्चरों को देखे, तो 10-10 करोड़ आराम से कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जनता थिएटर तक पता नहीं जा क्यों नहीं रही है, सबसे बड़ा चैलेंज यही हो रहा है, चाहे कोई भी फिल्म आ रही हो। हालांकि दोस्तों एक मैंने पोस्ट पढ़ा था, वहां पे ये लिखा हुआ था कि यार एक्चुअली में जनता को क्या चाहिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक्शन फिल्म थी जनता ने वो भी धिक्कार दिया, मैदान फिल्म वो भी धिक्कार दिया, अभी मिशन रानीगंज अच्छी फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, उसमें स्टोरी बड़ी लाजवाब थी, उस फिल्म को बहुत खतरनाक ओपनिंग मिली थी, बोले तो डिजास्टर हुई थी। फिर एक फिल्म आई थी आमिर खान की, जी लापता लेडीज, ऐसे में दोस्तों एक और मूवी आई थी जो सब्जेक्टिव मूवीज होते हैं, बट ऐसे में दोस्तों जनता यार लगता है मुझे कि फैन बेस हो चुकी है, जनता सलमान सन्नी अक्षय की फिल्में देखना पसंद तो कर रही है, लेकिन अक्षय भी इस टाइम पे यार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आई बिलीव कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए। एंड दोस्तों आज 2.5 करोड़ का वेट है, कल कम से कम 5 करोड़ क्रॉस कर जाए, एंड कल तक यार 50 करोड़ का बड़ा पोस्टर ओवरसीज को लेके आ जाए। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि मैदान ने 7 करोड़ से ऊपर ओवरसीज में कलेक्शंस कर लिया है, इंडिया नेट से कम आज 30 करोड़, आज का मिलाकर 32 करोड़ पार हो जाएगा, तो लगभग 32 करोड़ एक बहुत बढ़िया नंबर है, मतलब 32 करोड़ पार हो जाएगा। ये केवल बता रहा हूं मैं ओवरसीज से और इंडियन नेट से, ग्रॉस को मिलाकर तो बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या लगता है आज मैदान क्या नंबर जनरेट कर पाएगी, 2.5 करोड़ के ऊपर जा पाएगी, क्या दोस्तों मैदान जो है आज भी बड़ी मियाँ छोटी मियाँ को पछाड़ पाएगी, और मैदान दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखी तो जाओ देखने, टिकट बुक करो, क्या लगता है दोस्तों मैदान आज कितना करेगी, कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेगी बराबर, और आपका भाई आपको हमेशा बराबर अपडेट देता रहता है, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और घंटा जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।